तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सट्टा बाजार ने किस प्रकार से खलबली मचा दी है, यहाँ दोस्तों क्या कहता है ताजा भाव, 1 फरवरी की क्या ताजा यहाँ पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल के आधार पर दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है और किस पार्टी को कितना यहाँ पर भाव दिया जा रहा है और 70 सीटों के लिए किस पार्टी कितनी सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। जहाँ दोस्तों यहाँ पर बीजेपी का मास्टर प्लान और इसके तहत बीजेपी ने घोषणा पत्र में कई सारी ऐसी योजनाएं रख दी हैं। इसके बाद अब सट्टा बाजार के भाव में भी बड़ा यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। 2015 के आंकड़े आपको दिखाएं तो बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर ही सिमटी थी, लेकिन इस बार बड़ा यहाँ पर इजाफा होने वाला है। सट्टा बाजार के हिसाब से आम आदमी पार्टी क्या कुछ करने वाली है, और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था और 67 सीटें आम आदमी पार्टी लाने के बाद 2020 के चुनाव में कितनी सीटें ला सकती है। इससे पहले दिल्ली चुनाव के लिए जो लोकसभा के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर वोट शेयर पर रही। अगर यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वोट शेयर बढ़ जाता है तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली की विधानसभा में भी फायदा हो रहा है और जिस प्रकार से माहौल अब पलटा है। लेकिन सट्टा बाजार के आंकड़े क्या कहते हैं, देखिए ये पहले के आंकड़े हैं, लेकिन अब जो आंकड़े आपको आगे बताने वाले हैं उनमें काफी यहां पर फर्क देखने को मिलने वाला है। इससे पहले जो सट्टा बाजार ने आंकड़े दिए थे, बीजेपी 18 से 20 सीटें, कांग्रेस 4 से 5 और आम आदमी पार्टी 47 से 49, लेकिन अब बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो नए आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। देखिए कांग्रेस की अगर बात करें तो 70 सीटों के लिए जो बूथ शेयर निकल कर आ रहा है, जो सट्टा बाजार के आंकड़े हैं उनके हिसाब से कांग्रेस का जो बूथ शेयर पहले के हिसाब से अब घट रहा है, 12% बूथ शेयर जा सकता है। और आंकड़े देखें तो एक भी सीट कांग्रेस के हिस्से में जाती नजर नहीं आ रही सट्टा बाजार के हिसाब से। और यहां पर भाव एक के बदले आपको 23 रुपए यहां पर मिलने वाले हैं कांग्रेस के लिए जो यहां पर भाव निकल कर आ रहे हैं। देखिए आम आदमी पार्टी का बूथ शेयर आपको दिखाया तो 36 फीसदी से घटकर 32 फीसदी आ गया है। इससे पहले एबीपी न्यूज ने भी जो सर्वे दिया उसके अनुसार 47% बूथ शेयर यहाँ पर आम आदमी पार्टी का दिखाई दे रहा है, लेकिन दिन प्रतिदिन बूथ शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है और इसका भुगतान आम आदमी पार्टी को हो सकता है। कितना नुकसान होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 4% का यहाँ पर नुकसान हो रहा है जो पहले सर्वे था उसके हिसाब से। आम आदमी पार्टी के लिए अगर देख सीटें किस प्रकार से यहाँ पर दिखा रहा है सट्टा बाजार, 26 से 28 सीटें, लेकिन कुछ सीटें प्लस भी हो सकती हैं क्योंकि कई सीटें ऐसी रहेंगी जहाँ आम आदमी पार्टी की तरफा यहाँ पर जीत दर्ज करेगी। तो उनमें संघर्ष है कांग्रेस के हिस्से में और आम आदमी पार्टी के हिस्से में जो वोट शेयर है, अगर आम आदमी पार्टी को वोट शेयर मिलता है तो इन सीटों में इजाफा भी देखने को मिलेगा। अगर भाव की बात करें तो एक के बदले 14 रुपए यहाँ पर मिलेंगे इन सीटों के लिए। और अगर बीजेपी के लिए अगर आंकड़े आपको दिखाएं तो बीजेपी ने जमकर पलटवार किया है, ये कई बड़े चैनल ने भी सर्वे दिखाया है। और जो सट्टा बाजार के आंकड़े वो क्या कहते हैं, 41% वोट शेयर से 48% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है। और सीटें देखिए आप 44 से 40 सीटें अब जो पलड़ा है वो बीजेपी का भारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भाव एक बदले 5 रुपए यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ये सट्टा बाजार के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। अन्य के खाते में 10% से घटकर 8% वोट शेयर और सीट एक भी यहाँ पर नहीं है, जो कि अन्य यहाँ पर दल चुनावी मैदान में है। दिल्ली में कई सारे ऐसे दल हैं जो कि चुनावी मैदान में है, लेकिन सीट एक भी यहाँ पर मिलती नजर नहीं आ रही है। तो सट्टा बाजार के आंकड़े हैं, कभी फेल तो कभी सफल भी होते हैं। दिल्ली के अंदर जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं दिल्ली के लिए जो नए यहाँ पर कह सकते हैं बीजेपी ने बेहतरीन चले हैं, कहीं ना कहीं अब बीजेपी उनमें सफल होती नजर आ रही है। फिर भी आपकी जानकारी की बता दें कि ये सट्टा बाजार के आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में फेर बदल भी हो सकता है। 11 फरवरी को ही फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम का मिलता रहे।